हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं सुनील कुमार केटी हेयर स्टाइलिस्ट। सर, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दिस लेटेस्ट हेयर स्टाइल हेयर ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा इस हेयर स्टाइलिंग को सीखने के लिए। सो डोंट बी डिले, लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं सुनील कुमार केटी हेयर स्टाइलिस्ट। सर, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सॉफ्ट फिंगर वेव हेयर स्टाइल, या आप बोल सकते हो हॉलीवुड वेव हेयर स्टाइल दोस्तों। सो आपको ये किस तरीके से करना मैं आज आपको सिखाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको करना है नीट एंड क्लीन बोर्ड आया, और बैक से लेंगे आप ये हॉरिजेंटली सेक्शन, देन रेस्ट ऑफ हेयर को आपको टॉप पे सेपरेट कर देना है दोस्तों। देन हम ये लोअर पार्ट को जो है तीन सेक्शन में इस तरीके से आप डिवाइड कर लोगे दोस्तों। ये देखिए, आपको इस तरीके से छोटा सा सेक्शन लेना है। देन हम इसको करेंगे कॉम, अच्छे से डिटेंगल कर देना है आपको। देन हम करेंगे इस पर टोंग दोस्तों। ये 22 mm का टोंग है, 22 नंबर का टोंग है, आइकॉनिक ब्रांड का दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी वार्म अप होता है, और बहुत ही अच्छा कर्लर है दोस्तों। ये देखिए, आपको इस तरीके से होल्ड करना है। इस तरीके से आप सेक्शन लेंगे, जस्ट आपको क्लैंप ओपन करना है, एंड देन आपको जो है रॉड के अंदर जस्ट बाल को राउंड राउंड आपको ये घुमाना है और इसको होल्ड कर देना है। जैसे आप होल्ड करेंगे, आपको क्लाइंप्स को उससे दबा देना है या होल्ड पे रखना है थोड़ी देर तक। ये देखिए, आप इस तरीके से उसको होल्ड पे रखेंगे, देन आपको जो है क्लाइंप को पुश करते हुए आपको सेक्शन को ओपन करना है। बट आप इस सेक्शन को होल्ड पे ही रखेंगे, आपको ओपन नहीं करना है। ये देखिए, ये हम जस्ट हमने अभी होल्ड पे रखा है। आपको बिल्कुल एंड तक ये बिल्कुल टोंग करना है आपको इसको। ये देखिए, आपको इसके होल्ड तक होल्ड रखना है थोड़ी देर तक, देन हम इसको ओपन करेंगे। ये देखिए, और जैसे ये वार्म पोजीशंस में है, हम इसको क्लिप से, सो रोटी रोलर क्लिप्स आती हैं ये वाली, इन रोलर क्लिप से आप इनको होल्ड कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको होल्ड कर देंगे, अब ये ऐसे ही होल्डेड रहेगा। देन अगेन हम जो है सेक्शन लेंगे, सेम थिकनेस का आपने सेक्शन लिया है, इसको भी आपको सेम तरीके से आपको जो है कर्ल करना है। देन थोड़ी देर होल्ड किया इस तरीके से, देन आपको इसको जो है फिंगर हाथों पे ही आपको ये कर्ल रखना है। देन आपको जो है ये क्लिप्स से आपको इसको होल्ड पे कर देना है। आप इसको बॉबी पिन से भी होल्ड पे डाल सकते हैं, अगर आपके पास में ये स्टील वाली सेक्शन क्लिप नहीं है, रोलर्स क्लिप बोलते हैं इनको। जैसे वेलक्रो रोलर्स को सेट करने के लिए बेसिकली हम ये लगाते हैं दोस्तों। आप बॉबी पिन से भी इसको लॉक कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ये देखिए, इस तरीके से हम अगेन सेक्शन लेंगे, ऊपर से टॉप से हम जो सेक्शन लेंगे मिडिल के पार्ट को कवरअप करते हैं, आपको सेक्शन लेना है। ये देखिए, मैंने सेंटर सेक्शन जो निकाला है वो नीचे दोनों जो हमने कर्ल किए उनके बीच वाले डिस्कनेक्टेड पार्ट को कवरअप करेगा। सो आपको साइड से देखिए, आपको सेम टेक्निक से आपको कर्ल करना है जैसे हमने नीचे किया था। जस्ट आपको राउंड राउंड घुमाना है, नॉर्मली आपको जैसे छोटा सा सेक्शन लेके उसको रॉड के ऊपर घुमाना है, थोड़ी देर होल्ड रखना है हाथ पे, आपको उसको होल्डेड रखना है, देन आपको क्लिप से वो होल्ड पे डाल देना है। हम ये सबसे लास्ट में खोलेंगे जब हमें वेव्स को ओपन करना होगा। देन अगेन सेंटर सेक्शन, अच्छे से आप इसको डिटेंगल कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से आपको डिटेंगल कर देना है। देन अगेन ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ अगेन आपको किस तरीके से करना है। ये देखिए, आपको जस्ट ऐसे पकड़ना है, ये स्लो मोशन में भी दिखाता हूँ अगेन आपको। ये देखिए, जस्ट क्लैंप ऊपर होना चाहिए आपका, इस तरीके से आपको बस बाल को आपको राउंड राउंड घुमाना है। बस आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे आप बाल को राउंड घुमाते हैं दोस्तों, तो रॉड में जब आप बाल को राउंड राउंड घुमाएंगे या रोल रोल उसको रोल करेंगे, तो दोस्तों उनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो मर्ज होने चाहिए एक दूसरे से, बीच में उनके गैप नहीं होना चाहिए। सो आपको रॉड में बिल्कुल नज़दीकी, काफ़ी क्लोजली आपको राउंड करना है, डिस्टेंस नहीं रखना है। ये देखिए, देन आप उसको होल्ड पे रखेंगे हैंड से, देन आप उसको आप क्लिप कर देंगे। आपके सेक्शन नीचे नहीं छोड़ने चाहिए, आपको बिल्कुल रोल ऐसे ओपन करके आपको ऐसे होल्ड पे डाल देना है। देन अगेन ये सेक्शन भी आप सेम करेंगे, जस्ट सेक्शन लिया, क्लैंप ओपन करना है आपको। ये देखिए, जस्ट क्लैंप ओपन किया, देन राउंड 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 राउंड। ये देखिए, ये सेक्शंस के बीच में जो मैं राउंड राउंड कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, तो उनके बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, आपको डिस्टेंस नहीं रखना है, बिल्कुल आपको मर्ज करते हुए देना है। देन होल्ड पे करेंगे अगेन, क्लैंप आपको रॉड निकाल देनी है, देन आपको ये रोलर क्लिप से आपको ऐसे होल्ड कर देना है दोस्तों। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको ये टॉप एरिया तक सारे सेक्शन आपको इसी वे से करने हैं। सेम आपको हॉरिजेंटली सेक्शन लेना है, सेम थिकनेस के आप सेक्शन लेते जाएंगे, और टॉप एरिया तक आपको टॉप एरिया तक सेम करना है, और फ्रंट से भी हम साइड से भी आप सेम ऐसे करोगे, और अदर साइड से भी आपको सेम ऐसे करना है। आपको सारे रोलर्स की सेटिंग इसी तरीके से करनी है, देन हम इनको ओपन करेंगे। ये देखिए, मैं इसको भी आपको करके दिखा देता हूँ।
आपको अच्छे से पहले डिटेंगल कर देना है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, जस्ट रोल करना है आपको, होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए। और जब आप रोल करेंगे इस सेक्शन को, ध्यान रखिएगा रॉड जो आपने यूज़ कर रहे हो, जो भी कलर आप यूज़ कर रहे हो रॉड के बीच में, जो है जो भी आप राउंड कर रहे हो हेयर को, तो उनके बीच में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ये देखिए, देन अगेन सेम सेक्शन, सेम थिकनेस का आपको सेक्शन लेना है, कॉम करना है, डिटेंगल डिटेंगल करना अपने हेयर को, देन अगेन सेम टेक्निक, राउंड 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 ऐसे रोल करना है, होल्ड करना है, देन अगेन आप सेक्शन क्लिप से इसको होल्ड पे डाल देंगे। बस यही सेम टेक्निक आपको यूज़ करते जाना है। देन इस सेक्शन को भी आप क्लिप से जो है होल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, आपने क्लिप से इसको होल्ड कर देना है। देन हम चलते हैं दोस्तों फ्रंट की तरफ। ये साइड कॉर्नर से भी आपको ऐसे सेक्शन लेने हैं फ्रंट में। ये देखिए, आप ऐसे पतला सेक्शन लेना है आपको, इसको भी जस्ट आपको राउंड टू राउंड ऐसे रोल रोल करके आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है। देन आपको इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है और क्लिप से आप इसको होल्ड पे डाल देंगे दोस्तों। ये देखिए, सेम इसी टेक्निक से आपको इस साइड से और अदर साइड से भी आपको सेम टेक्निक से आपको जो है रोल करने हैं सारे सेक्शंस को। ये देखिए, जस्ट आप इसको भी रोल एंड रोल एंड रोल इस तरीके से आप इसको रोल करेंगे, होल्ड पे रखेंगे थोड़ी देर। देन दोस्तों इसको भी आपको सेक्शन क्लिप से होल्ड पे डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से। देन इसी टेक्निक से आपको टॉप तक, ये जैसे मैं बता रहा हूँ हॉरिजॉन्टली आपको सेक्शन लेते हुए आपको फ्रंट पे भी सारे इसी वे से आपको कर्ल्स करना है। देन सेम अदर साइड से भी आप सेम टेक्निक से, जैसे हमने अदर साइड से किया था वैसे आपको इस साइड से करना है। ये सेक्शन लिया आपने, जस्ट इसको कॉम करना है, डिटेंगल करना है, देन सेम हॉरिजॉन्टली सेक्शन लेके आप टॉन्ग करेंगे सेम टेक्निक से। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट आपको इसको राउंड राउंड घुमाना है। ये देखिए, जस्ट राउंड आपने इसको घुमाया, सेम आपको ऐसे घुमाता जाना है। देन क्लैंप से आप थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करेंगे, होल्ड पे रखना है। देन अगेन आपको ये कर्ल्स को अपने हाथ पे होल्ड करना है और अगेन आपको सेक्शन क्लिप से इसको होल्ड पे डाल देना है। बेसिकली आपको पूरे हेड पे इसी वे से आपको इसी टेक्निक से आपको काम करना है। ये देखिए, मैंने ऑलमोस्ट सारे जो है रोलर्स रोल्स करके कर्ल्स करके मैंने ये होल्ड पे डाल दिए हैं सेक्शन क्लिप से। ये देखिए, ये लास्ट सेक्शन है, इसको भी आपको सेम टेक्निक से करना है। फ्रंट पे आपको थोड़ा जो है आपको ज़्यादा ब्रॉडर सेक्शन नहीं छोड़ने। ये देखिए, आपको बेसिकली थोड़ा जैसे आप बैक पफ बनाने के लिए आप फ्रंट पे जितने आपको नीड चाहिए कि आप, आपको ज़्यादा ब्रॉडर सेक्शन नहीं छोड़ना, नहीं तो आप जो है उसको कवरअप नहीं कर पाएंगे। आपको देखिए, ये देखिए मैंने बहुत कम छोड़ा हुआ है, बैक एरिया मैंने ज़्यादा लिया हुआ है, तो आपको इसी तरीके से बैक एरिया थोड़ा ज़्यादा लेना है और फ्रंट एरिया थोड़ा आपको कम ही लेना है। ये देखिए, देन बैक से अगेन सेम टेक्निक आपको पूरे जो है कर्ल्स कर देना है, टॉप एरिया आप छोड़ देंगे केवल। ये देखिए, सेम टेक्निक से किया, देन अगेन इसको क्लिप से आपको होल्ड पे कर देना है। देन ये टॉप एरिया वाला सेक्शन हम छोड़ देंगे, इसको हमने सेपरेट कर लिया है। ये देखिए, देन हम दोनों दोस्तों जैसे ये ठंडे हो जाएंगे आपका कर्ल्स जो है, जब तक आप और सेक्शंस को करेंगे, फ्रंट के सेक्शन करेंगे, बैक सेक्शन आपका ऑलमोस्ट सेट हो चुका होगा सेक्शन क्लिप से। देन हम उसको ओपन करेंगे। ये देखिए, देन आपको उसको पुल करना है इस तरीके से जैसे मैं पुल कर रहा हूँ, हल्का हल्का नीचे से बैक कॉम करना है, बहुत लाइट बैक कॉम करना है। ये देखिए, तो इस तरीके से आपका वही पैटर्न बन जाएगा दोस्तों। ये देखिए, आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं हल्का सा। देन अगेन आप सेम दूसरा सेक्शन खोलेंगे, सेम पुल किया इसको, हल्का सा बैक कॉम किया नीचे से। ये देखिए, देन अगेन इसको भी स्प्रेड कर दिया। तो सेम टेक्निक से आपको सारे सेक्शन खोलने हैं और आपको जो है वेव्स के अकॉर्डिंग उनके ऊपर उसको ओवरलैप करना है, दैट्स इट। यही टेक्निक है, ऐसी टेक्निक से आपको ये कंप्लीट करते जाना है। ये देखिए, देन हम बीच वाला सेक्शन खोलेंगे सेंटर सेक्शन को कवरअप करने के लिए। देखो, पुल किया इसको, आपको इसे पुल करना है, देन आपको बैक कॉम करना है हल्का नीचे से, देन इसको हल्का सा नीट करके इसको स्प्रेड कर देना है। ये देखिए दोस्तों, देन आप ऐसे इसको कंप्लीट करते जाएंगे पूरा सेक्शन। आपको जो ऊपर के सेक्शन आप खोलोगे उनको आपको ओवरलैप करते हुए सेक्शन को, जो भी आपकी वेव पैटर्न है, वेव पैटर्न को आपको बैलेंस करते हुए, मर्ज करते हुए आपको ये सेक्शन को ओपन करना है। ये देखिए, सेम हमने सेक्शन ओपन किया। ये देखिए, देन आपको स्प्रेड कर देना है इस तरीके से नीचे नीचे। अगर आपके जैसे बाल क्या होते हैं, काफ़ी किसी किसी के बाल बहुत ड्राई होते हैं या बहुत एजेस बहुत पतले होते हैं तो उनकी फिनिशिंग नहीं आती, तो कोई बात नहीं है, आप उन जितना फिनिशिंग में दे सकते हो तो आपको उतना करना है। ये देखिए, तो इस तरीके से आप उनको जो है सेट करना है, जो वेव्स पैटर्न आपने दिए हैं उनको सेट करना है टेलकॉम की टेल से। ये देखिए, आप इसे बैलेंस करेंगे उसको।
सेम टेक्निक से आप इसको जो है ओपन करते जाने हैं आपको सेक्शंस को। ये बैक कॉम किया हल्का नीचे से, ये देखिए, देन स्प्रेड किया, ये देखिए। तो आपका जैसे आप इसको ओपन कर देंगे तो आपका वही पैटर्न ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। आप स्प्रेड करके इसकी ब्रॉडनेस को और बढ़ा सकते हैं, बट आप नीचे से अगर इसको बैक कॉम करेंगे, बैक कॉम दोस्तों ज़्यादा नहीं करना आपको, बहुत लाइट बैक कॉम करना है, हल्का हल्का, वो भी बहुत डिस्टेंस में रखना है बैक कॉम, हल्का हल्का बैक कॉम करना, जस्ट नाम के लिए आपको बिल्कुल बहुत लाइट बैक कॉम करना है। ये देखिए, देन आप उसको सेट करेंगे उनके प्लेसमेंट के हिसाब से। ये देखिए, सेम आपने सेक्शन ओपन किया, पुल किया इसको, ये देखिए, जैसे आप उसको छोड़ेंगे ऑटोमेटिकली जो है, ये देखिए, जैसे मैं बीच बीच में जहाँ मुझे नीट लग रहा है वहाँ पे मैं बैक कॉम कर रहा हूँ, दैट्स इट। ये देखिए, इस तरीके से आप ही कर्ल्स ओपन करते जाएंगे और सेट करते जाएंगे। बस आप स्प्रेड करना है आपको, तो आप इसकी ब्रॉडनेस को थोड़ा सा आप इसको फैला लीजिए, तो काफ़ी एरिया नेक्स्ट सेक्शन को कवरअप कर लेता है। तो आप ऐसे ही जो आपको सेक्शन जो है लेने हैं, ताकि वो एक दूसरे को ओवरलैप करें, एक दूसरे को कवरअप करते हुए आपको जो है ये सेक्शंस को रोल करना है। ये देखिए, अगेन बैक कॉम, नीचे से आपको बैक कॉम करना है, ऊपर से नीटनेस रहनी चाहिए। देन सेम आपने इसको स्प्रेड कर दिया, एजेस जो हैं अगर ज़्यादा कर्ल हो जाते हैं तो आपको वो रेक्टेंगल कर देना है, देन आपको उसको जो है प्लेसमेंट के हिसाब से इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। ये बेसिकली हॉलीवुड वेव्स हैं, दोनों हॉलीवुड वेव्स कहते हैं इनको, या फिंगर वेव्स भी बोल सकते हो, पर फिंगर वेव्स ही होते हैं कि कोई कोई जल के अकॉर्डिंग कर जल से करते हैं, बट ये बेसिकली हॉलीवुड वेव्स कहते हैं, बहुत सारे फिंगर वेव्स कहते हैं, इनमें हल्की हल्की वेव्स आती हैं तो इसको फिंगर वेव भी कहते हैं। सो आपको सेम टेक्निक से जो है आपको सेक्शंस को ओपन करते जाना है। ये देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ तो सेम टेक्निक से आपको ओपन करना है, स्प्रेड करना है, और अदर कर्ल्स के साथ में जो वेव आपने दी हुई है उनको बैलेंस करते हुए आपको उसको बिठा के, जो वेव जहाँ पर जा रही है, जो कर्व जहाँ पर जा रहे हैं, आपको उनको उसके साथ में मर्ज करना है। ये देखिए, इस तरीके से आप करते जाएंगे दोस्तों सेम। ये देखिए, हल्का सा बैक कॉम कर सकते हैं नीचे नीचे से, ताकि उस सेक्शन को आप स्प्रेड कर पाओ और उसकी सेटिंग को आप बिठा पाओ। ये देखिए, बैक कॉम करेंगे दोस्तों तो सेक्शन जो है बीच में से डिसकनेक्ट नहीं होता। हमारा मेन जो मोटिव होता है बैक कॉम करने का, यही होता है कि आप नीचे से बैक कॉम करते हो, सेक्शन बीच में से डिसकनेक्ट नहीं होएगा, बिल्कुल मर्जिंग लुक में आएगा और आपका वही पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियरली दिखेगा। सो आपको बैक कॉम इसलिए भी करना है, और बैक कॉम करते हैं तो ये वेव थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपका काफ़ी लंबा लास्ट करेगा। अगर आप बैक कॉम नहीं करते हैं तो ये थोड़ा लूज़ हो जाएगा, जल्दी खुल जाएगा। अगर आप बैक कॉम करते हैं सेक्शन पे, तो कर्ल पैटर्न, वेव पैटर्न भी बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत ज़्यादा लास्ट भी करेगा। अगेन सेम आपने जो है हल्का हल्का बैक कॉम करना नीचे से, ये देखिए, देन इसको स्प्रेड कर देना है। स्प्रे करना है आपको, छोटे छोटे फ्रिजी हेयर को बिठाना है, बैलेंस करना है, जहाँ जहाँ वेव पैटर्न कर्ल आया हुआ है वहाँ पे आपको बिल्कुल इसकी टेल कॉम की टेल से आप उसको एडजस्ट करना है। ये देखिए, जैसा मैं कर रहा हूँ, देन हम चलते हैं साइड के सेक्शन पे। ये देखिए, सेम आपने पहले पुल किया इसको, बैक कॉम किया नीचे से हल्का, देन ऊपर से आपको हल्का कॉम करना है। ये देखिए, स्प्रेड करना है, देन अगेन सेक्शन को, देखिए। सो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है दोस्तों। साइड के सेक्शन भी हम इसी टेक्निक से ओपन करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको बैक कॉम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करना, अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैक कॉम करेंगे नीचे से तो ये बहुत फ्रिजी लगेगा, और आपको बड़े लाइट हैंड से इसको जो है सेटिंग देनी है। इसको बीच बीच में ये सेक्शंस अगर आपको मर्ज नहीं होते हैं ये सेक्शन, तो आप बीच बीच में इनको फाइन पिंस आप यूज़ कर सकते हो इनकी मर्जिंग के लिए, ताकि ये थोड़ा इनकी मर्जिंग लुक आए, डिस्कनेक्टेड ना हुए। बट डिस्कनेक्टेड भी होएगा तो भी ये अच्छा लगेगा, बिकॉज आपका मेन जो लुक है आपका, आपको वेव देनी है, कर्ल नहीं देना, बिल्कुल वेव पैटर्न पर देना है। ये देखिए, अगर आपको फ्रंट लुक भी देखनी है, बैक लुक भी देखनी है, तो दोस्तों आपको फ्रंट से और बैक से आप जैसे अकॉर्डिंग टू क्लाइंट चॉइस, जैसे उनको फ्रंट पे चाहिए हो, तो आप कुछ बाल आपको फ्रंट पे देने पड़ेंगे, कुछ बाल आपको बैक में देने पड़ेंगे,
सो आप क्लाइंट के चॉइस के अकॉर्डिंग आपको ये करना है, बट बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि आपको पूरी लाइक मर्जिंग टाइप में लुक ये कैसे देनी है। ये देखिए आप उनको बैलेंस करते हुए आपको ये जो है वेव्स को मेंटेन करना है। ये देखिए बीच बीच में आप जूड़ा पिंस भी लगा सकते हैं होल्ड के लिए, ताकि ये डिसकनेक्टेड ना हो। ये देखिए देन बाद में आप उनको रिमूव कर सकते हैं। देन ये साइड के सेक्शंस को भी ऐसे आपको ओपन करते हुए ये देखिए स्प्रे करना है, नीट करना है आपको। देन आपको उनके कर्व के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस करना है। देखिए स्प्रेड करेंगे हल्का सा, दोस्तों जैसे वन लेंथ का बाल होता है तो ये बहुत अच्छी लुक आती है, बट अगर बाल थोड़ा लेयरिंग में है तो आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज छोटे बड़े बाल होते हैं और लेयरिंग में ये होता है कि एजेस बड़े ड्राई होते हैं, तो आपको उनको काफ़ी फिनिशिंग के साथ में आपको उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि वो अपर पार्ट पे आपकी ड्राइनेस ना दिखे। ये देखिए देन हम इंस्ट्रक्शन को भी ओपन करेंगे, हल्का हल्का आपको बैक कॉम करना है नीचे, देन आप हल्का सा कॉम करेंगे ऊपर से। ये देखिए इस तरीके से आप उसको सेट करना है, बिल्कुल आपको लाइटली जो है इसको सेट करना है, आपका वही पैटर्न आता जाएगा। देन इस सेक्शंस को भी आप ओपन करेंगे सेम टेक्निक से। ये देखिए कॉम करना है हल्का सा, देन उसके वही पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको उसको सेट कर देना है। ये देखिए आपको बिल्कुल वेव के अकॉर्डिंग जैसा उसका पैटर्न जा रहा है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको सेट करना है। कुछ कुछ लेयर्स पे आपको मे बी प्रॉब्लम हो सकती है उनके एजेस की वजह से, क्योंकि एजेस काफ़ी ड्राई होते हैं और कभी कभी वो बिल्कुल उनका पैटर्न आता नहीं, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। ये देखिए देन साइड कॉर्नर्स के हेयर पे भी हम सेम टेक्निक से इसको पुल किया हल्का सा, सेक्शंस को ओपन किया कॉम करके स्प्रेड किया, देन आपको ये स्प्रे करके सेट कर देना है। आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप नीचे से बैक कॉम करना चाहते हैं तो बैक कॉम करके ये होगी थोड़ी स्ट्रेंथ आती है सेक्शन में, वो लास्ट भी करता है, बट कभी कभी आपको प्लेसमेंट के हिसाब से जहाँ पे आपको लगे कि मुझे ये सेक्शन को थोड़ी ब्रॉडर लुक में या थोड़ा सॉफ्टर लुक में देना है, तो आपको उसको बैक कॉम नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ये देखिए सेम आपको इस तरीके से ये करना है, बट प्रेफरेंस मेरी यही रहेगी जो भी सेक्शन आप कर रहे हो आपको उसको बैक कॉम करके आपको जो है ओपन करना है, ताकि वो उसका वही पैटर्न भी थोड़ा स्ट्रांगली आएगा दोस्तों और उसकी लुक भी काफ़ी बेटर आएगी। ये आपको बिल्कुल जहाँ कहीं कहीं पे आपको नीड नहीं पड़ेगी तो वो सेक्शन आप कर सकते हैं जैसा मैं कर रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ये देखिए सेक्शंस को आपको एडजस्ट करना है, एजेस जो होते हैं आपको उनको नीड करके प्लेसमेंट के हिसाब से उनको आपको नीट करना है, बैलेंस करना है वेव को। ये देखिए देन टॉप एरिया पे जो हमने सेक्शन छोड़ा हुआ था इसको भी हम करेंगे ट्रॉन्ग, सेम टेक्निक से आपको ट्रॉन्ग करना है। ये थोड़ा आपको इसको सेक्शंस के हिसाब से जहां आपको देना है, ये हमने तीन सेक्शन में इसको डिवाइड किया। पहले हम इस सेक्शंस को करते हैं, ये देखो सेम टेक्निक आपको यूज़ करनी है इसमें भी, जस्ट सेक्शन लिया दस आपको रोल एंड रोल करना है सेक्शन। ये देखिए जस्ट क्लाइंब के अंदर लिया रोल किया, थोड़ी देर के लिए आपको इसको होल्ड करना है। ये देखिए देन आप जो है इसको जैसे सेक्शन वार्म हो जाता है दोस्तों आपको फिर ट्रॉन्ग हटा देनी है, ज़्यादा देर तक भी नहीं रखना आपको इस सेक्शंस को। देन हम इसको क्लिप कर देते हैं जब तक ये होल्ड ठंडा होता है सेक्शन, आपको उसी समय सेक्शन ओपन नहीं करना, थोड़ा सेक्शंस को ठंडा होने देना है। जब ये कूल हो जाए ठंडा हो जाए तो आपका पैटर्न जो बनाया हुआ है वो लॉक हो जाता है उसी वे में। सेम आपने ट्रॉन्ग किया, इसको भी आपने हल्का सा ओपन किया। ये देखिए आप थोड़ी देर होल्ड रखेंगे, जैसे सेक्शन को आप टच करके देखिए वार्म हो जाएगा तो आपको उसको क्लिप ऑन कर देना है। आपको इसको मैक्सिमम 7 to 8 सेकेंड आपको इसको होल्ड पे रखना है, जस्ट रोल एंड रोल। ये देखिए सेम टेक्निक से आप टॉप एरिया भी करेंगे,
होल पे रखना है आपको उसको, देन अगेन आप उसको भी खोल देंगे, आपको सेक्शन क्लिप से ऐसे होल्ड कर देना है। देन हम चलते हैं साइड कॉर्नर्स के सेक्शन को, जब तक टॉप वाले सेक्शन हमारे ठंडे होते हैं तो हम तब तक साइड कॉर्नर्स के सेक्शन को करते हैं। ये देखिए ओपन किया, सेम टेक्निक, हल्का हल्का बैक कॉम किया, देन आपको उसको स्प्रेड करके सेट कर देना है। देखिए हमने इसको कॉम किया, देन स्प्रेड किया हल्का सा। इसमें दोस्तों काफ़ी सॉफ्टर लुक आती है और काफ़ी लाइक अच्छी लुक आती है, बाउंसी लुक आती है, आपको काफ़ी फुलर लुक आती है। अगर किसी के डेंसिटी कम भी है, फाइन टेक्सचर है बालों को, अगर आप उनके ऊपर भी देते हो तो भी काफ़ी अच्छी लुक आती है, बहुत यंगर लुक आती है। बेसिकली जैसे गर्ल्स हैं तो उनके ऊपर आप ये दे सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। देन अगेन सेम टेक्निक, आपने जस्ट कॉम किया और सेक्शंस को आपको ओपन कर देना है। आपका वेव देखिए आपको दिखाई दे रहा है कैसा वेव आ रहा है, बिल्कुल इस तरह से आपको ये वेव देना है। देन अगेन हम आपको बैक के सेक्शन से आपको ये मर्ज करते हुए ले जाने हैं सेक्शन, ताकि आपकी साइड से और बैक से चारों तरफ से जो है आपके वेव पैटर्न की लुक एक जैसी लगे। सो आपको इस तरीके से उसको सेट करना है, स्प्रे करना है, छोटे फ्रिजी हेयर को आप साथ साथ बिठाते जाएंगे। देन अगेन आपने सेक्शन ओपन किया, कॉम करना है, ये देखिए, देन इसके कर्ल्स पैटर्न के हिसाब से आपने उसको अगेन सेट कर देना है। स्प्रे किया, देखिए स्प्रेड करके आपको जो है पैटर्न को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है। देखिए बीच में आप होल्डिंग के लिए जहाँ पे स्प्रेड किया आपने सेक्शन को, वहाँ पे बीच में होल्डिंग के लिए आप जूड़ा पिंस लगा सकते हो, देन बाद में आप उसको रिमूव कर सकते हो, या आप फाइन पिंस के बीच में लगा सकते हो, वो दिखती भी नहीं है और आपके सेक्शन एज इट इज़ आपका लॉक्ड हो जाएगा, आपको लॉक करके लगानी है। ये देखिए ऐसा आपको वेव पैटर्न आपको क्रिएट करना है। देन अगेन टॉप एरिया भी आपको सेम टेक्निक से आपको करना है। ये देखिए कॉम किया, आपको बिल्कुल फिंगर वेव जैसे इसका वेव पैटर्न जा रहा है। दोस्तों फ्रंट सेक्शन में ये होगा कि आपको जो है लुक के अकॉर्डिंग, फ्रंट लुक के अकॉर्डिंग आपको ये सेक्शन आपको सेट करने हैं, कि क्लाइंट्स के जो फ्रंट वेरिएशन है, ज़रूरी नहीं है आपको उनको फ्रंट पे भी पूरा वेव पैटर्न चाहिए, तो आपको फ्रंट लुक जो है आप चेंज कर सकते हो। आप जो भी आपको फ्रंट पैटर्न देना हो, जो भी आपको फ्रंट लुक जो देनी हो, आप अपने अकॉर्डिंग या क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हो। तो आपको वो डिफरेंट वेव में भी आप दे सकते हो, आप चाहे तो वेव दे दो, आप लाइंस भी क्रिएट कर सकते हो फ्रंट पे वॉल्यूम के साथ बैक कॉम करके, आप जैसा फ्रंट वेरिएशन आपको देना हो आप सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट चॉइस, और आप भी चेंज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको ऐसा देना है, बट मैंने आपको बिल्कुल सिंपली बताया है। आप इसमें और भी जो भी मैंने आपको फ्रंट वेरिएशन अदर वीडियोस में बनाए हैं, लाइंस है गया, या आपको थोड़ा बाउंस के साथ में आपको देना है, या आपको कोई भी आप फ्रंट वेरिएशन जैसे आपको अच्छा लगे वो आप क्रिएट कर सकते हो, और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स, अगर क्लाइंट्स को चाहिए तो आप वैसा फ्रंट वेरिएशन आप दे सकते हो उसके साथ में, बट बैक लुक आपको जो है आपको सेम रहेगी आपका वेव पैटर्न। ये देखें ऑलमोस्ट ये हेयर स्टाइलिंग जो है ओपन में ही होती है, आपको फ्रंट भी जो है इतना ज़्यादा लाइक आपको चेंज नहीं देना होता है, आप पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप देते हैं, या तो आप हल्के हल्के लाइंस दे सकते हैं इसमें, वो ज़्यादा बेटर लगती है लाइंस थोड़ा वॉल्यूम के साथ में। ये देखिए देन टॉप एरिया भी आपको ओपन करना है, जो हमने कर्ल्स किए थे अब वो सेट हो चुके हैं, तो आपको उसको कॉम कर देना है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, देन आपको उनकी वेव्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको उनको जो है नीचे की वेव से आपको उनको मर्ज कर देना है। ये देखिए इस तरीके से आप उसको मर्ज कर देंगे, स्प्रे करना है आपको, और नीचे एजेस को आपको बड़े तरीके से उनको सेट कर देना है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करोगे। देन चलते हैं हम फ्रंट सेक्शंस की तरफ,
अब हमारे दो सेक्शन रह गए हैं, इनको भी आपको जो है सेट करना है। अब इनको हम थोड़ा फ्रंट सेटिंग, फ्रंट लुक के अकॉर्डिंग आपको ये देने हैं। ये देखिए मैंने दोनों सेक्शंस को पहले ओपन कर लिया है। आपको देखना है कि आप क्या लुक देना चाह रहे हैं। आप चेंज कर सकते हैं लुक को, आप वेयर लाइंस भी दे सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है आप कैसा लुक आप क्लाइंट को देना चाहते हो। देन जितने सारा मैंने ये पार्ट उठाया इसको आप चेंज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है और ये क्लाइंट की चॉइस है कि आप कैसे भी पैटर्न फ्रंट से आप कैसा भी वेरिएशन आप दे सकते हो। आप ये फ्रंट वेरिएशन आप अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। देन मैंने इसको कॉम किया जस्ट, और फिंगर से स्प्रेड करते हुए मैंने सॉफ्ट वेव ही जैसा इनका पैटर्न जा रहा है बस मैं इसको थोड़ा साइड वे में कर रहा हूँ, और बैक के जो वेव्स हैं इसमें आपको इसको जो है मर्ज कर देना है। इसको भी सेम आपको जो है कॉम करना है, हल्का फिंगर से आपको जो है जैसा पैटर्न इसका जा रहा है बट थोड़ा इसको पीछे ले जाके मैं इसको वही पैटर्न इसका पीछे यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए पीछे की तरफ, ताकि ये सेक्शन बिल्कुल फेस पे ना आए, आपके आइज़ के ऊपर ना आए, ये पीछे ले जाके आपको सेक्शन को सेट करना है बैक के वेव के साथ में। देन इसके बीच बीच में आप फाइन पिंस लगा सकते हैं ताकि ये सेक्शन वहीं पे होल्ड रहे, आपका ये सेक्शन बार बार फेस पे ना आए, बट आपको पहले इसको सेट करना है। देन बीच में आप फाइन पिन से इसको लॉक कर लीजिए दोस्तों, ये बिल्कुल एज इट इज़ सेट रहेगा, कहीं भी हिलेगा नहीं ये सेक्शन। देन अगेन टॉप एरिया आपको करना है, इसको भी आप डिटेंगल करेंगे अच्छे से, स्प्रे करना है आपको फ्रिजी हेयर को, आपको नीट कर देना पहले सेक्शंस को। देन ये देखिए लुक के अकॉर्डिंग आपको जो है बिल्कुल हम इसको थोड़ी फॉलिंग लुक दे रहे हैं, बिल्कुल जैसे विक्टोरियन लुक होता है बिल्कुल हॉलीवुड वेव्स में, बिल्कुल मैं उस तरह की लुक इसको दे रहा हूँ। ये देखिए इसको थोड़ा हम फॉलिंग में लेंगे ताकि फ्रंट लुक के लिए जैसे आपको लुक बेटर लगे, अच्छा लगे। ये देखिए मैं हल्का सा इसको कर्व में दे रहा हूँ, जैसे इसकी कर्व जा रही है, जो पैटर्न इसका जा रहा है उसी पैटर्न में इसको लॉक कर रहा हूँ, बट फ्रंट लुक के हिसाब से जो लुक बेटर आ रही है। ये देखिए देन इसको फिंगर से स्प्रेड किया और इसको मैंने रोल कर दिया जस्ट इसके एंड को। ये स्टाइलिंग दोस्तों मैंने बहुत पहले ही भी बनाई हुई थी, बट मैंने तब इसका ट्यूटोरियल नहीं बनाया हुआ था, तो किसी आप लोगों में से किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये बोला था कि प्लीज़ आप ये हॉलीवुड वेव्स की एक वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए देखा है बनाई जाए ये वीडियो, तो आज मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है। सो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट लुक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है, ये हॉलीवुड वेव्स देनी है। फ्रंट वेरिएशन आप अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से आप बना सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन योर चॉइस और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट चॉइस। सो आपको उस तरीके से आप ये फ्रंट वेरिएशन आप दे सकते हो। ये ऑलमोस्ट डन है दोस्तों स्टाइलिंग, आपको जो बीच बीच में छोटे छोटे फ्रिजी एयर आते हैं, जो एजेस आते हैं, आपको उनको नीट करना है। ये देखिए मैं जस्ट इसको क्रंच कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये जो आप ये वेव्स क्रिएट करते हो आप जस्ट इसको ऊपर की तरफ ऐसे क्रंच भी कर सकते हो, तो ये जो पैटर्न आपका दिया हुआ है बिल्कुल एज इट इज़ उसी पैटर्न में ऊपर की तरफ जस्ट श्रिंक होता है, देन आप उसको लॉक कर देते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, स्टाइल आपका ख़राब नहीं होएगा। ये बीच बीच में आपकी फाइन पिंस आपको लगा देनी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ दोस्तों, आप इसमें कम से कम काफ़ी फाइन पिंस लगा लीजिए ताकि ये बार बार फेस पे ना आए। ये कंप्लीट लुक है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से आप ये क्रिएट करोगे दोस्तों, ये देखिए ये है कंप्लीट लुक, ये देखिए ये है साइड एंड ये है बैक लुक दोस्तों। सो इस तरीके से दोस्तों ये आपको वेव पैटर्न हॉलीवुड वेव्स आपको क्रिएट करनी है। सो दोस्तों मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पे बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है दोस्तों। दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स और लाइक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं दोस्तों, बहुत मायने रखते हैं, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, इससे हमें पता चलता है कि हमारी बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों, और हम लोग मोटिवेट फील होते हैं दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स और लाइक, इसलिए हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये देखिए बीच बीच में आपको इस तरीके से फाइन पिन से इसको लॉक कर देना है, ये फाइन इनविजिबल पिंस भी आप उसको बोलते हैं, मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। सो आपको इस तरीके से बीच बीच में इसको लॉक कर देना है, ये बार बार फेस पर नहीं आएगा। दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है दोस्तों। प्लीज़ अगर आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में से सीखने को मिलता है या मेरी बनाई हुई वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। अगर डिसलाइक करते हैं तो मेंशन ज़रूर किया करें कि आपको क्यों पसंद नहीं आती है, ताकि हम उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों यह है कंप्लीट लुक, ये मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई ताकि मैं आप लोगों के साथ में इसको शेयर करूँ, ये इसका कंप्लीट लुक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों
मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई टेक्निक के साथ। तब तक अपना प्यार ऐसे बनाए रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों, मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपके कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी या मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक डिसलाइक जरूर किया करें, इससे हमें पता चलता है हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है, सो प्लीज़ इसमें रिएक्ट जरूर करें, रिएक्शन जरूर दें। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ मेंशन जरूर करें कि आपको क्यों पसंद नहीं आ रही, ताकि हम उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकें। सो दोस्तों, तब तक अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।